न्यू इंडिया सपनों से हकीकत की ओर बढ़ता हुआ भारत। मोदी सरकार की आर्थिक नीतियां और योजनाएं एक ओर भारत को विकास की एक नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार की नीतियां आर्थिक मामलों में अब अमेरिका जैसे देशों को चुनौती दे रही है। एक समय था जब देश दुनिया के बनाए नक्शे पर चलता था, आज का समय यह है कि दुनिया भारत के बनाए नक्शे पर कदम रख रही है। इसकी मिसाल मोदी सरकार की हर नीतियों में देखा जा सकता है, लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे किस तरह मोदी सरकार के रुपे कार्ड की सफलता ने दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल पेमेंट सिस्टम मुहैया कराने वाली कंपनी मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड को डरा दिया है। एक नए हिंदुस्तान के दर्शन हो रहे हैं मुझे। मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड अमेरिका की कंपनी है। दुनिया भर में इस पेमेंट गेटवे के जरिए अपना दबदबा कायम करने वाले इन कंपनियों के मालिकों को इन दिनों मोदी सरकार के रुपे कार्ड ने दहशत में डाल दिया है। उसका कारण है कि भारत में रुपे कार्ड ने मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड की खटिया खड़ी कर दी है। महज 4 साल में ही रुपे कार्ड ने मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड से 50% मार्केट शेयर छीन लिया है। एक आंकड़ों के मुताबिक मास्टर और वीजा कार्ड से पहले 1 बिलियन डिजिटल लेन देन होता था, जिसमें अब 0.5 बिलियन का ट्रांजेक्शन सिर्फ रुपे कार्ड से हो रहा है। भारत में अपने मार्केट शेयर खोने से परेशान मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड के मालिक अमेरिका में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अमेरिकी सरकार से इस पर कुछ पहल करने की अपील कर रहे हैं। इन मालिकों का कहना है कि मोदी सरकार द्वारा भारत में रुपे कार्ड को दिए जा रहे लगातार बढ़ावे से उनके बिजनेस पर असर पड़ रहा है। साल 2014 में पीएम मोदी ने काले धन और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के इरादे से और देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए रुपे कार्ड को लॉन्च किया। लोगों को अपने भाषणों के जरिए डिजिटल पेमेंट को लेकर जागरूक किया, डिजिटल पेमेंट से देश को मिलने वाले फायदे से अवगत कराया, और उसका असर इस रूप में देखने को मिल रहा है कि अगस्त 2018 तक देश में कुल $51 बिलियन का डिजिटल लेन देन हुआ है, जो साल 2016 के आंकड़ों से ठीक दोगुना है।